मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेबीज़ ब्लॉग फन एंड मस्ती। आज है संडे, टाइम है इस वक्त 11 o'clock का, नहीं 12 o'clock का। ओहो, फिर तो आफ्टरनून है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम कल रात में भी लेट सोए थे, सुबह भी देर से उठे हैं। देर से सोएंगे तो देर से उठेंगे, देर से उठेंगे तो सारे काम ही मेरे लेट हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, लंच में मैंने बना रखा है रात वाली आलू मटर की सब्जी है, काफ़ी बची है मेरे पास, लंच में नहीं बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट हो गया है, हर्षित ब्रेकफास्ट करके चला गया है बाहर। उधर बाहर घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, हर्षित तो अपने मस्ती कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज है संडे। ये देखिए कितनी कड़क धूप है, बहुत कड़क धूप है, बाहर निकलना बहुत टफ है। इवन कपड़े अगर मैं धोती भी हूँ, बाहर सूखने के लिए डालती भी हूँ, तो ज़्यादा देर तक मैं नहीं रख सकती। थोड़े से कपड़े हैं मेरे पास वॉश करने के लिए। लंच में मेरे पास आलू मटर की सब्जी। हर्षित को फिलहाल खेलने देती हूँ, तब तक मैं बना देती हूँ चाय, फिर मिलते हैं। अदरक वाली चाय का भी अपना ही मज़ा है, स्पेशली विंटर्स में और रेनी सीजन में। आजकल मौसम फिर भी बढ़िया है, हम तो भाई चाय लवर हैं, मेरी फैमिली में सब लोग ही चाय पीते हैं, तो मैं भी पी लेती हूँ सबके साथ में। तो अनिल जी की तो ऑफिस में आदत पड़ी है चाय पीने की, क्योंकि ऑफिस में तो उनको बार बार चाय मिलती रहती है, तो मैं भी उनको पार्टिसिपेट कर लेती हूँ जब वो आते हैं। मतलब मेरे तो मायके से ही आदत है मुझे चाय पीने की, मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा चाय पीते थे। चाय को एनर्जी ड्रिंक की तरह लिया जाता है, और बारिश के मौसम में भी चाय बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों में हम जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं एक टाइम स्किप कर देती हूँ, जैसे दिन के टाइम फिर मन नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कुछ ठंडा ही पीने का मन करता है। लाइक नींबू पानी बना दो या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स जूस वगैरह ले लो, मन कर जाता है। वैसे सुबह की चाय और शाम की चाय दो तो फिक्स हैं, अच्छी लगती है चाय पीनी। अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय तो स्पेशली। ये रहा मेरा बेटा, कुछ खाएंगे पियेंगे? क्यों मेरे मन नहीं आया? क्यों? आई डोंट जो भी है वापस बोल। आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग। ओके, तो ड्रिंक करना चाहते हो जूस वगैरह? अच्छा जूस जूस। आई मुझे अभी खेलना है या पढ़ाई करनी है? परसों इसका इंग्लिश का पेपर है और तीन दिन बुक्स है रीड करने के लिए। बेटे सबका ही पेपर है परसों, मेरा ही नहीं है सिर्फ। मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही। वो भी खेल रहे हैं बाहर, मैं भी जाऊंगा। ठीक है, 5 मिनट में वापिस आ जाइयो। 5 मिनट में? 5 मिनट में हमारा एक गेम चल पाता? नहीं नहीं, जल्दी आना। तो मैं हर्षित जा रहा है अगेन खेलने, मैं थोड़ा सा अल्ट्रेशन का अपना। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी हुआ है, अभी 12:31 ना, 1:15 कुछ आएंगे। ठीक है, 1 o'clock आ जाओगे आप अंदर। ओके, तो हर्षित तो गया अगेन खेलने, मैं कर लेती हूँ अपना अल्ट्रेशन का काम, थोड़ा सा काम है मेरे पास, उसके बाद आके इसको पढ़ाऊंगी। अल्ट्रेशन और स्टिचिंग के काम से मैं जस्ट फ्री हुई हूँ, टाइम इज 2:30, तो मैं लंच कर लेती हूँ, आलू मटर की सब्जी प्लस राइस, फिर मिलती हूँ आपको लंच करने के बाद। गुड इवनिंग दोस्तों, टाइम हो रहा है 5:30 का, 5:30 से ज़्यादा ही हो रहा है, 5:45 का टाइम हो रहा है। हम दोनों अभी बाहर आए हैं घूमने के लिए, रोड साइड में थोड़ा सा रामपुर की तरफ। ये जो मैंने पहले भी बताया था आपको, तलाई जो जगह है वहाँ पे, वहाँ पे एक पार्क बना है, ये देखिए। ये आपको गेट, ये जो गेट है बैक साइड में, यहाँ पे छोटा सा पार्क है। हम यहाँ थोड़ा सा घूम के आते हैं, देख के आते हैं कैसा पार्क है। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगे हैं ये देखिए, ये रोड साइड पे, यहाँ से कच्चा कच्चा सा रोड है, देखते हैं भला कैसा पार्क है, क्या क्या है यहाँ पर। झूला है और साथ उधर है गोलगप्पे वगैरह के स्टॉल, साथ में हम गोलगप्पे भी खा के आ जाएंगे। पहले यहाँ घूम के आते हैं,
इवनिंग का टाइम है, बड़ा बढ़िया सा मौसम है, तो हम निकल गए बाहर थोड़ा घूमने फिरने के लिए। ये देखिए बायोडाइवर्सिटी पार्क, छोटा सा पार्क है, देखते हैं वाला क्या क्या है इसके अंदर। झूले तो दिख ही रहे हैं, ठीक है ना, खूबसूरत सा पार्क है ये, खूबसूरत सा गेट। ये देखिए छोटा सा पार्क, अरे वाह, ये देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, बेंचेस हैं, सीसो है, झूले हैं, दो चार डस्टबिन हैं। ये देखिए ये मुझे लगता है फॉरेस्ट वालों की लैंड है पूरी, उधर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एकदम पीसफुल सा है घूमने के लिए, है ना अर्चित? हमें तो पता ही नहीं था। रोड साइड से ये देखिए, ये है नीचे रोड, रोड साइड से मैंने इस गेट को, इस वाले गेट को काफ़ी बार देखा है, पर ये नहीं पता था कि यहाँ पार्क भी है। नहीं रह पा रहा, छोड़ो, हर्षित को मैंने हवा में लटका दिया। वाओ हर्षित मजा आ रहा है, आगे से हवा में लटक रहे हो। ये है एक दो झूले हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बेंचेस हैं बैठने के लिए। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे डस्टबिन है। ये देखिए छोटा सा पेंगुइन। सो गाइस हम चलते जा रहे थक गया मैं तो। देखिए हम काफी हाइट में आ गए हैं, काफी सुंदर सा बना रखा है यहाँ, हवा महल जैसा। ये देखिए हवा महल, बहुत सुंदर जगह है, मुझे नहीं पता था इससे पहले कि यहाँ इतना खूबसूरत भी है। छोटा सा पार्क है, चिल्ड्रन पार्क, हम बड़े लोग भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। वाओ, और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अवेरी साइड की, जो पूरा जो आर्मी का जो एरिया है मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मुझे लगता है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी प्रॉपर बना नहीं है पार्क। और इस पार्क की सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ पर जगह जगह डस्टबिन बने हैं, कोई आता है कोई खाते पीते हैं, लाइक पेपर प्लेट्स, डिस्पोजेबल ग्लासेस, बॉटल्स वगैरह इसमें हम डाल सकते हैं। और यहाँ के जो केयर टेकर होंगे वो डेफिनेटली इनको, मैं वही तो कह रही हूँ, ये देख यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू है, लुक एट माई बैक साइड, वाओ इतनी खूबसूरत जगह हमारे घर के पास में ही, और मुझे पता ही नहीं है, फिर मत जाना। ये देखिए, और ये देखिए कितना प्यारा सा हवा महल है, बेंचेस हैं बैठने के लिए। ये देखिए ये आर्मी एरिया, ये पूरा आर्मी का एरिया है, यहाँ से वो आगे तक। और ये वाला रोड है रामपुर वाला, ये वाला, ये जो जगह है ये नोगली वाली जगह है, नोगली यहाँ से आगे। और इस वाले रोड में दूसरे लोग, मतलब आम आदमी का जाना अलाउड नहीं है, विदाउट परमिशन, विदाउट आर्मी कार्ड इस रोड को आप क्रॉस नहीं कर सकते, इस ब्रिज को आप क्रॉस नहीं कर सकते। एक दो बार मैं भी गई हूँ आर्मी कैंटीन के लिए, पर अगर आपके पास आर्मी कार्ड हो तो, अदरवाइज नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। चलो पार्क में झूले तो होते ही हैं, बेंचेस हैं बैठने के लिए। नीचे वाले में डाल रखा है इतना सारा कूड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे ग्लास फेंके, ये गलत बात है भाई। हम लोग नेचर को एंजॉय करने आते हैं और नेचर को ही खराब करके जाते हैं। अच्छे-अच्छे डिजाइन बना रखे हैं, डस्टबिन का डिजाइन देवी जी से खुलता भी है वो, यहाँ से ओपन होता। चलो यहाँ चलते, ऊपर कुछ है, वहाँ पे भी कुछ प्लेन कर रखा है। ये देखिए ये जो बालकनी से कुछ बना रखी है, ये वाला एरिया एक बार देख के आते हैं जरा। ये अच्छी चीज है, जैसे कहीं पिकनिक पे आए नीचे झूला झूल सकते हैं, यहाँ पर खाना खा सकते हैं। हाँ अच्छा है, बढ़िया है। सबसे सरप्राइजिंग बात अगर कुछ है तो ये है कि मुझे आज तक नहीं पता था इस पार्क के बारे में। एक हैंडपंप भी लगा दो तो और भी बढ़िया लगेगा। हाँ, मतलब नेचुरल वाटर का सोर्स, नेचुरल गिरता रहे, बॉटल साथ में लेकर आ जाएंगे जैसे हम अभी लेकर आए हैं। नहीं मतलब अच्छा सा लगेगा जब उसमें पानी गिरेगा। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इज दिस, खूबसूरत, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े मॉल से तो ज़्यादा अच्छी मुझे ऐसी चीज़ें लगती हैं। जुगाड़ू काम सच में। मतलब यहाँ इस जगह की एक खास बात क्या होती है ना, इस तरह के जो नेचर पार्क होते हैं वहाँ पे कोई भी आ सकता है, लेस मनी, आप आ जाओ घर का थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए लेकर आओ और मज़े से इंजॉय करो। यहाँ पे मैं आपको एक देखें कितना खूबसूरत है, ये है नेचुरल डाइनिंग टेबल, हर्बल डाइनिंग टेबल, ये प्लांट है, कितना खूबसूरत है। ये देखिए कितना प्रीटी है, ये टेबल बना रखा है बीच में और चारों तरफ बेंचेस लगे बीच में टेबल, और टेबल के सेंटर में ये देखिए आप प्लांट है। ये मुझे लगता है ये फॉरेस्ट वालों का है, मुझे लगता नहीं होगा ये फॉरेस्ट वालों का होगा ये डेफिनेटली ये पार्क, क्योंकि जगह जगह प्लांट्स लगे हैं यहाँ पे, और प्लांट्स को लेकर पेड़ उगाओ करके बहुत सारे
स्लोगन भी लिखे हैं, ये देखो कितना बढ़िया कर रखा है यार, बहुत अच्छा, मुझे तो बड़ा पसंद आया। खूबसूरत बहुत है, खूबसूरती है यहाँ की, नेचुरल है। यहाँ से ऊपर लिखे जंगल जंगल, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, और यहाँ मेरे पीछे देखिए आप, मेरे पीछे हर्षित है, आपके मेरे पीछे है हर्षित, मेरा बेटा। हमें तो बड़ा मजा आता है भाई ऐसी ऐसी जगह घूमने के, फाइव स्टार होटल रेस्टोरेंट से ज्यादा बढ़िया लगती है मुझे इस तरह की जगह। क्यों हर्षित? बहुत बढ़िया, नेचर के साथ साथ इंजॉय भी हो जाता है, पार्क भी है, बहुत कुछ है। दिखाता हूँ मैं कैसे जाना है। ये देखिए एवरग्रीन, अपनी धरती को हरा भरा बनाए रखिए। ये हवा घर है, हवा घर ही कहते हैं इसे, हवा घर इसे क्यों कहते हैं क्योंकि चारों साइड से, नहीं चारों साइड से ओपन होता है ये, इसीलिए इसको हवा घर कहते हैं। बोतल यहीं छोड़ दोगे क्या? बोतल यहीं छोड़ दोगे? ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, जब ये बना ही होगा ना स्टार्टिंग में, तब ये वुड खराब भी नहीं हुई थी, तब कितना सुंदर रहा हो, है ना। कैंगारू, इसे क्या कहते हैं बताओ, वो वाला कौन सा? कैंगारू, कैंगारू, कैंगारू। इसका बच्चा किधर है? छुपा के रखा है बच्चा, इसके डस्टबिन के अंदर है। अरे अब चलते हैं नीचे, थोड़ी देर झूला झूलेंगे, फिर जाएंगे गोलगप्पे खाने। आज के तो भाई मजा आ गया, शाम ऐसी इवनिंग होती रहनी चाहिए आसपास में। अगर तो भी मजा आता, पापा होते नेक्स्ट टाइम, पापा आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली, आप होते तो और भी मजा आता। नेक्स्ट टाइम पापा के साथ डेफिनेटली शाम के टाइम झूला झूलेंगे। हाँ शाम के टाइम आएंगे पापा के साथ। भाई नेचर लवर अगर कोई हो उसके लिए ये जगह बहुत ही बेस्ट है, सॉलिट्यूड है, पीसफुल है और एयरी है। ये देखिए हमारे दत्तनगर के आसपास की जगह, आसपास के गांव का कितना खूबसूरत व्यू है। ये देखिए हवा घर। और एक और बात मुझे बहुत बुरी लगी है, वो देखिए पीछे बॉटल्स गिरा रखी हैं, जो कि सबसे गंदी बात है। बॉटल्स गिरा रखी हैं, खा पी के सब ऐसे यूं ही फेंक देते हैं भाई, ये गलत बात है। ये देखिए डस्टबिन इतने सारे लगे हैं इधर, लेकिन फिर भी लोगों ने गंदगी फैला रखी है, ऐसे फेंकना उनको ज्यादा मजा आता है। भाई हम लोग नेचर को एंजॉय करने आते हैं, नेचर के लैप में ही बैठकर हम खाते हैं, पीते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, ताजी ताजी हवा को एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसी जगह को गंदा करते हैं, दिस इज नॉट गुड। सो आप लेकर आइए अपने साथ खाना वाना जो भी लेकर आना, लेकिन डस्टबिन यूज करो, डस्टबिन लगाए ही इसीलिए रखे हैं ताकि सारा कूड़ा हम उसमें डाल दें और जो भी यहाँ के केयर टेकर है वो अपने आप ही कूड़ा निकाल के उसे डिस्पोज कर देते हैं। और ये देखिए ये जो रास्ता है ना, एक और अच्छी बात मैं बताऊँ, ये जो आप वे देख रहे हो रास्ता, इस तरह से ये देखिए, ये वाला यहाँ से, ये देखिए मेरे पीछे से, ये नीचे दोनों तरफ प्लांटेशन हो रखी है, इधर भी बहुत सारे तो खाली गड्ढे खोद रखे हैं, डिग कर रखे हैं। ये देखिए इसमें भी प्लांट्स, इसमें भी प्लांट्स लगेंगे, और जब ये प्रॉपर बन जाएगा ना पार्क, बहुत ही खूबसूरत होगा। और ये फॉरेस्ट वालों का पार्क है, इतना मुझे पता है। क्यों जी बच गई भाई मेरी बॉटल, हवा इतनी तेज चल रही थी, खाली हो गई, पानी खत्म कर दिया, पानी लेकर आए थे हम साथ में। ऊपर से इतनी हल्की है क्योंकि पानी खत्म हो गया। बेंचेस हर टर्न पे बेंच बना, ये देखिए ताकि थक जाए तो बैठ जाए। बिल्कुल, जो लोग चल नहीं सकते, जो लोग चलते चलते थक जाते हैं उनके लिए बेंचेस बने हैं। अबे डर लग रहा है, गिरना जाऊं मैं, आ जाओ जल्दी से स्लाइड करो। अरे पापा क्यों डर, इसमें डरने का इतना, इतनी तो हाइट भी नहीं है बेटा, मिट्टी में कुछ नहीं होता, आ जाओ कम आना। तो अब करते हैं पार्क को बाय बाय, चलते हैं नीचे क्योंकि हर्षित को गोलगप्पे खाने हैं, ऐसा ना हो कहीं गोलगप्पे खत्म हो जाएं या गोलगप्पे वाले भी घर चले जाएं क्योंकि शाम होने लगी है। आ जाओ बेटा हर्षित फास्ट। ये देखिए भी रोड भी मतलब पक्का नहीं हुआ, ये कच्चा कच्चा सा रास्ता है, आई थिंक ये अभी बन ही रहा है, जब प्रॉपर बन जाएगा तब कितना सुंदर लगेगा। उस तरफ को भी है कुछ, ये वाला गेट भी और उस तरफ को भी कुछ लग रहा है मुझे, बेंचेस से दिख रहे हैं, बाय मैं जा रही हूँ। ये देखिए एक ये वाला गेट है जहाँ से हम अंदर गए थे, एक ये वाला गेट है, इसके अंदर भी मुझे बेंचेस से नज़र आ रहे हैं, हो सकता है डॉक्टर एस राधा कृष्णन स्मृति वन वाटिका। ओके ये डॉक्टर राधा कृष्णन के, डॉक्टर राधा कृष्णन जी के की याद में बनाया, आई थिंक इसमें लिखा हुआ है स्मृति वन वाटिका तलाई, जिसको नदियों ने सींचा है। नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु में जीवन खींचा है। अब चलते हैं आगे गोलगप्पे खाने,
दो चार खा ही लेते हैं, नहीं तो मन में ही रह जाएगी। ये पूरा एरिया ना तलाई है, और तलाई इस जगह का नाम शायद मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। पानी का सोर्स है अंडरग्राउंड, जो वाटर निकलता है उसकी वजह से यहाँ पे गीला गीला हमेशा मतलब पानी पानी भरा रहता था, इसी वजह से इस जगह का नाम है तलाई। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? हाय कर दो। गोलगप्पे खिला दो भैया, इसको बर्गर खिला दो, मुझे गोलगप्पे खिला दो। अच्छा, आज अंकल नहीं है इधर? नहीं, आज थोड़ा कर गए हैं। अच्छा अच्छा, हम आ चुके हैं घर। डोर को क्लोज करो, वॉशरूम का डोर क्लोज करो बोलो। सबसे पहले करूंगी मैं पूजा, उसके बाद बनाऊंगी सब्जी और हर्षित की कॉफी। कुछ गिरा दिया आपने? गिर गया वाइपर, वाइपर गिरा दिया। तो जी टाइम हो रहा है 7:30 का, पूजा पाठ सब्जी हमने सब बना दी है। आज मैंने बनाई है आलू और बैंगन। मेरे पास एक बैंगन था, ब्लैक वाला बैंगन, ब्रिंजल कलर वाला नहीं, ब्लैक वाला बैंगन था, भरते वाला, तो उसको मैंने पील ऑफ करके आलू के साथ बनाया है, क्योंकि कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा वो भरते के लिए, मतलब छिलका उतार के आलू के साथ उसकी सब्जी बनाई है। क्या है ना, बैंगन तो बिल्कुल गल जाएगा, आलू के छोटे छोटे पीसेस रह जाएंगे। बैंगन मेरे घर में बनता ही नहीं है, या तो भरता बनता है या फिर आलू बैंगन की सब्जी उस स्टाइल से बनती है जैसे मैंने आज बनाई है। आज इसने पढ़ाई बहुत ही कम करी है, अब पढ़ाई का टाइम आ चुका है, 7:30 है, इसको मैं 10:00 तक कंटिन्यू पढ़ाने वाली हूँ। इस बीच में हम खाना खा लेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो आज के ब्लॉग की मैं इधर ही एंड करने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो वो करती हूँ ब्लॉग का एंड, वीडियो की एंडिंग नहीं, आज के ब्लॉग का एंड मैं करती हूँ, आज के ब्लॉग का एंड। मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, एक खूबसूरत एक मजेदार ब्लॉग के साथ। तो बेबीज ब्लॉग, फन एंड मस्ती। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।